इस प्रकार से वो मां अपने बेटे को बच्चे को समझा करके शहर की तरफ चल पड़ती है और वहां शहर में उसके जो साथ में रहने वाली थी एक उसकी छोटी बहन भी थी जिसको पहले गांव के लोग शहर में छोड़ करके आ चुके थे वो मिल जाती है। लेकिन जब शहर के अंदर जाकर के अपनी छोटी बहन को देखा तो अपनी छोटी बहन से उस शहर के बारे में कुछ पूछने लगती है क्योंकि वो गौ माँ अनजान थी, उसको नहीं पता था शहर के वातावरण का, उसे नहीं पता था शहर के लोगों के चाल चलन का, उसे नहीं पता था कि शहर के अंदर हमारी कितनी कदर इज्जत है या नहीं है। इसलिए वो अपनी उस छोटी बहन से उस शहर के बारे में जानकारी लेती है और जानकारी लेते हुए एक बात पूछती है, क्या कहती है, नुकहे राज बता दे सारा मेरी छोटी सहे बहन तू, राज बता दे सारा मेरी छोटी सहे बहन तू, राज बता दे सारा छोटी है बहन तू, ये तेरा कैसे हो रहा गुजारा पेट यू हो रहा तेरा भारा, तेरा कैसे हो रहा गुजारा पेट यू हो रहा तेरा भारा, हे भेद बता दे सारा ये भेद बता दे सारा मेरी छोटी सहे बहन तू, बता दे सारा मेरी छोटी सहे, ये छोटी सहे बहन तू, छोटी सहे बहन तू, छोटी से मेरी बहन तू, छोटी सहे बहन तू, है राज बता दे सारा मेरी छोटी सहे बहन तू, है राज बता दे सारा। कुछ तो मैंने सोच के आई तू लागे मेरी माँ की जाई, कुछ तो मैंने सोच के आई तू लागे मेरी माँ की जाई, सुनते हैं बहुत कसाई फिर कैसी करती सहन तू, सुनते हैं बहुत कसाई फिर कैसे करती सहन, सुन बता दे सारा मेरी छोटी सहे बहन तू, हे राज बता दे सारा मेरी छोटी सहे बहन तू, अपना जीवन नरक यू हो रहा जग के मन में फर्क यू हो रहा, अपना जीवन नरक यू हो रहा जग के मन में फर्क यू हो रहा, संसद में तर्क यू हो रहा मत सुन जाइए इन सहम तू, राज बता दे सारा से आई ही गौ कहती अपनी छोटी बहन से के बहन मैंने तो ये भी सुना है कि संसद भवन में भी हमारी चर्चा चलती है, ये कैसे होगी हमारी रक्षा, और एक और चर्चा सुनी मैंने तो कौन सी, गौशाला की सुनी है चर्चा खूब कर से इकट्ठा है खर्चा, गौशाला की सुनी है चर्चा खूब कर से इकट्ठा खर्चा, राजेश भेंट का पर्चा वहां जाके करिए अध्ययन तू, राजेश भेंट का पर्चा वहां जाके करिए अध्ययन तू, बता दे सारा बहन तू, राज बता दे सारा मेरी छोटी है बहन तू।